यहाँ पे आप देख सकते हो अपना प्रो आर्चर है श्रीता राठौड़। एंड ये जो भी इनके हाथ में है ये एक्चुअली वन ऑफ द कंपनी ने हमें स्पॉन्सर किया है। ये जो है केम फ्रॉम ग्लोरी मेडल्स हैंगर। सो ग्लोरी मेडल हैंगर ने ये हमें सेंड किया है कुरियर थ्रू, स्पेशली गिफ्टिंग फॉर श्रीता, इनके नाम से आया है ये। सो दे लाइक हर वेरी मच। एंड अगर आपको ये चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ऑर्डर कर सकते हो। चलो ये क्या है ओपन करके देखते हैं। ओपन चाहिए बेटा, तो श्रीता से ओपन करवाते हैं। विल डू दैट। ओके डन। अभी एक बॉक्स आ चुका है, तो अभी साइड द कवर और इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। अभी निकल रहा है। यस गॉट इट। सो ब्यूटीफुल, आप करीब आप भी देख सकते हो यहाँ पे, तो श्रीता का नाम यहाँ पे एम्बोज हो चुका है। एंड यू कैन सी इट। वी गॉट ए आर्चर हियर, गर्ल आर्चर। एंड हियर श्रीहिता, एस आर आई एच आई टी एच है। आपको पसंद है क्या? एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल कट ऑफ आर्चर यहाँ पे विथ मेटल। सो देख सकते हो बहुत अच्छा सा एम्बोज होके आ चुका है आर्चर का। ये रिकर्व आर्चर है, यहाँ पे एक रिकर्व आर्चर है। एंड यू कैन सेलेक्ट मेनी थिंग्स जो कि ग्लोरी आर्चरी मेडल हैंगर्स, नॉट ओनली आर्चरी इवन एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आपका गेम होता है उनका यहाँ पे सिंबल आता है, उसके बाद में नीचे नेम आता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है उस पर जाइए एंड आप ये ऑर्डर कर सकते हो। एंड टेक इट। थैंक यू, बाय। हाई, वेलकम बैक टू सूर्य आर्चरी अकेडमी, दिस इज ज्ञानेश्वरन। एंड आप मेरे हाथ में देख सकते हो दिस इज एक्सीलेटर 410 प्लस। सो रिसेंटली मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था एंड आज अपना शूटिंग वीडियो बनने वाला है, तो यहाँ पे आपको मैं मेरा रेंज भी बताऊंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज लाइक 10 मीटर्स एंड ये हो गया 20 मीटर्स। एंड जो फेस लगा के है वो है 30 मीटर्स एंड उसके पीछे जो फेस लगा के है वो है 50 मीटर्स एंड द लास्ट बोर्ड जो कवर करके है वो 60 मीटर्स है। अपना रेंज ओनली 60 मीटर्स तक है। बो का एक्यूरेसी है 50 मीटर्स तक, जो कि लास्ट से सेकंड बोर्ड जो है वहां तक शूट कर सकता है। यहां पे आप देख सकते हो ये 20 मीटर्स का बोर्ड है। सो नया फेस लगाने जा रहा हूँ मैं एंड मैं 20 मीटर्स पे 10 मीटर्स पे शूट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली 30 मीटर्स पे शूट करने वाला हूँ। सो ये पुराने फेसेस है, हम इसे निकाल लेते हैं एंड नया फेस लगा लेते हैं। सो विल जस्ट रिमूव द ओल्ड फेसेस। सो आप देख सकते हो भाजी पालक कर दिए हमारे बच्चे ने फेस का। आई डोंट वॉन्ट टू कीप इन द सेंटर, थोड़ा साइड पे लगाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वर्ल्ड आर्चरी लाइसेंस्ड फेस है एंड ये कंपाउंड में यूज़ करते हैं, बट मैं आज क्रॉसबो पे भी यूज़ करूँगा। ऑलरेडी सेंटर में शूट हो चुका है। चलो सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड वी आर गोइंग टू प्लेस द बैलून नाउ। ये टारगेट पे हम एक बैलून भी लगा देंगे क्योंकि आपको दूर से भी वीडियो में दिखता है। यहाँ पे नहीं प्लेस करना था क्योंकि हवा से उधर जा रहा है। सो आई विल डू दिस, हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे एक मार्क एंड यहाँ पे एक मार्क ऑलरेडी हो चुका है एंड फ्लेस पूरा क्लियर है और बैलून भी हिल रहा है और इट इज़ ऑल्सो गुड वन। लेट्स सी। सो ये है आरसीडी, आप यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हो ग्रीन कलर का। सो इसे हम एक क्रॉसबो लोड करना होता है। लोडिंग बहुत सिंपल है, आप करीब से भी देख सकते हो। सो वी हैव टू पिंस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टू पिंस है। ये सभी क्रॉसबो सामने से लोड होते हैं बट ये क्रॉसबो आपको पीछे से लोड करना होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वी जस्ट हैव टू प्लेस दिस टू हुक्स, यहाँ पे लगाना होता है, अलाइन करना होता है, उसके बाद में बस खींचना होता है। सो इट इज लोडेड। हमें एरो चाहिए,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना क्रॉसबो लोड हो चुका है एंड 30 मीटर्स पे अपन शूट करने वाले हैं। सो दिस इज द एरो, पुराना एरो है, मैं जो भी क्रॉसबो के साथ आया वो एरो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे पास पुराने एरोस थे वो यूज़ कर रहा हूँ। सो आई हैव टू प्लेस इट हियर। सो ये नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि यहाँ पे आपको रिटेनर होता है, वो नीचे गिरने नहीं देता है इवन इफ़ यू कीप लाइक दिस। एंड नाउ इट इज़ इन सेफ पोजिशन, हम शूट करके बताएंगे आपको कैसा शूट करना है। द थिंग इज मुझे सिटिंग पोजिशन बहुत अच्छा लगता है, स्टैंडिंग पोजिशन से भी थोड़ा ज़्यादा ग्रिप मिलता है सिटिंग पोजिशन में एंड एक्यूरेसी भी ज़्यादा होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन 30 मीटर टारगेट। सो इट्स गॉट, वी गॉट द बैलून, आप देख सकते हो। सो लेट्स सी कहाँ पे अपना शॉट हुआ है एंड बैलून का भी आप स्पॉट देख सकते हो। लेट्स सी दैट। एंड ये 30 मीटर्स का टारगेट था, यहाँ पे हवा भी बहुत तेज चल रहा था एंड बैलून इधर से इधर ऐसे ऐसे हिल रहा था। सो व्हाट आई डिड इज जैसे भी बैलून इस तरफ आया तो मैंने शॉट फिनिशिंग किया था। सो यू कैन सी द शॉट, ये था अपना शॉट। लेट्स सी फ्रॉम द 50 मीटर्स, हवा तो बहुत तेज चल रहा है, फिर भी कोशिश करेंगे हवा में भी शूटिंग कैसा होता है। बट अल्टीमेटली 30 मीटर्स में बहुत अच्छा शूट किया है क्रॉसबो, यू कैन सी द शॉट। मैंने सेंटर पे एम नहीं किया था, जहाँ पे बैलून था उसी पे एम किया था। सो वी गॉट द बैलून, यहाँ पे आप देख सकते हो फूट गया है एंड इवन इन द वीडियो यू कैन सी दैट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 50 मीटर्स का टारगेट है, हमने फेस उल्टा रख के एक बैलून प्लेस किए हैं। चलो अपना शूटिंग लाइन पे जाते हैं, वहाँ से शूट करूंगा ताकि आपको वहाँ से भी ये बैलून दिख सके, इसलिए मैंने ये व्हाइट कलर शीट लगाया हूँ एंड उस पर ये बैलून लगा चुका हूँ। चलो टारगेट पे फेस कर चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो बैलून छोटा सा दिख रहा होगा आपको, मे बी आई थिंक, अगर आपको दिख रहा होगा तो डेफिनेटली लाइक करना क्योंकि मुझे तो लग रहा है दिख रहा होगा। चलो शूट करते हैं, अभी इसे लोड कर लेते हैं। सो आई एम आस्किंग श्री तत् टू गेट द RCD। I am going to load the crossbow the same way. थोड़ा ताकत चाहिए लोड करने के लिए, बट इट्स वेरी इजी। लोड होने के बाद क्रॉसबो कुछ ऐसा दिखता है एंड नाउ वी आर गोइंग टू शूट ऑन ए 50 मीटर्स टारगेट। 50 मीटर्स टारगेट पे लेफ्ट हैंड से शूट करूंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड पे ज्यादा मेरा एक्यूरेसी बिल्ड होता है। सो लेट्स सी। आई थिंक आपको बैलून दिख रहा होगा, मुझे तो बहुत क्लियर दिख रहा है स्कोप में से एंड जब मैंने वहाँ पे प्लेस किया तो देन यस यू गॉट इट फ्रॉम द 50 मीटर्स। सो एट द 50 मीटर्स ये था अपना शॉट एंड आप देख चुके होंगे। सो दिस इज अवर बो विथ 4x32 स्कोप। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्रॉसबोस के वीडियोस बनाया था जो कि मेरा ब्लेड प्लस फेवरेट क्रॉसबो था एंड उसके बाद में एम्पेड 425 वो भी बहुत स्पेशल था एंड दिस वाज द थर्ड वन विच आई लाइक द मोस्ट, ये है 410 प्लस एक्सीलरेटर। सो इसे मैं ख़रीदा था 2022 नवंबर में। सो नाउ इट इज़ लाइक फ़रवरी 28, आज 28 फ़रवरी है, आज इसका शूटिंग वीडियो बन चुका है। सो अगर आपको शूटिंग वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।